बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद नुमान कयूम, तुसी देखते पए हो गंदारा हिंको टीवी। आज दी ताज़ा खबरां, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने जापानी हम मनसब नू टेलीफोन किया ते उन्हां नू जापान का दौरा ना करने की वजूहत सी आगाह किया। वजीर खारजा ने किया कि गुज़श्ता साल जापानी शख्सियात के दौरिया नाल तालुकात इच बेहतरी आई। पुलवामा वाकये के बाद अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई नाजुक हो गई है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई खराब है। शाह महमूद कुरैशी ने किया कि जापान ते पाकिस्तान के दरमियान दोस्ताना तालुकात हों। उन्होंने जापान नू इस जिमन इच अपना मुअस्सर किरदार अदा करने की दरख्वास्त की थी। अल अज़ीज़िया रेफरेंस इस साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियाद से सजा मुअत्तली का फैसला अज सुनाया जा सी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दो रुकनी बेंच अल अज़ीज़िया साबिक वज़ीर आज़म की मुअत्तली का फैसला सुना सी। पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हों। बांग्लादेश से दुबई जाने वाले जहाज को हाईजैक करने की कोशिश नाकाम बना दी गई है। कार्रवाई हाईजैकर को हलाक कर दिया गया है। खलीजी मीडिया के मुताबिक बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका से उड़ने वाले जहाज BG-147 हाईजैकिंग की कोशिश से हंगामी तौर पर चिटागांग के शाह अमानत एयरपोर्ट से लैंड करा दिया गया है। तो इसी सवाल सारे मुसाफरों को बहिफाजत निकाल दिया गया है, जबकि कमांडो एक्शन के बाद हाईजैकर को भी हलाक कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हज दरख्वास्तों की वसूली का अमल अज से शुरू हो जाए। हज दरख्वास्त फार्म अज से 14 मुख्तलिफ बैंकों की ब्रांचों में दस्तियाब हो सन। दरख्वास्तों मुकम्मल करने के बाद 6 मार्च तक मुख्तलिफ बैंकों में जमा कराई जा सक सन। पाकिस्तान के गैर मुल्की कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के मरकजी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का वाजिब उल अदा गैर मुल्की कर्जिया का हुजम $99 अरब 11 करोड़ हो गया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट बताया गया है कि माली साल की दूसरी सहमाही बैरूनी कर्जिया 2 अरब 37 करोड़ डॉलर का इजाफा होया है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पिशोर बेरीबाग अखुनाबाद समेत रहमान बाबा कब्रिस्तान की जमीन ते गैर कानूनी तमीरत के तजावजात के हवाले नाल खबरों का नोटिस ले लिता है। उन्होंने जिले इंतजामिया फौरी तौर पर हकायक मालूम करने ते कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की थी। वजीर आला ने किया कि कब्रिस्तान वसे मुख्त जमीन ते किसी किस्म की तामीर या तजावजात कायम करने की इजाजत नहीं दे सकने। गंदारा इनको बोर्ड के तहत गंदारा इनको अकेडमी का 189वां अमूमी इंतजामी इजलास गंदारा इनको अकेडमी के डॉक्टर जहूर अहमद अवान कमेटी रूम मुनद होया। इजलास की सदारत गंदारा इनको बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जियाउद्दीन ने की थी। इजलास में तखलीक तहकीक ते तरवीज समेत मुख्तलिफ इंतजामी अमूर से भी गलकत की गई ते मुतादित फैसले भी किए गए। पाकिस्तानी मॉडल व अदाकारा ईमान अली ते बाबर भट्टी की व्याह की शानदार इस्तकबालिया तकरीब शोबिस सितारिया ने चार चंद लगा दिए। नवे नवेले जोड़े नु शोबिस शख्सियात समेत मदावा की तरफ से मुबारकबाद दिते जाने का सिलसिला भी जारी है। इस्तकबालिया तकरीब अली जफर ते फरहान सईद ने अपनी आवाज का जादू जगाया ते खूब रंग बिखेरे। PSL के 15वें मैच में कोलन अंग्राम की शानदार सेंचुरी की वजह नाल कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को हरा दिता है। ईवेंट में हूं तक नाकाबले शिकस्त रहने वाली कोयटा ग्लेडिएटर्स का 187 रनों का वड़ा हदफ कराची किंग्स ने 4 विकटा से हासिल कर लिता। कोलन अंग्राम की नाकाबले शिकस्त इनिंग्स नाल कराची किंग्स की फतह मुमकिन हुई। इस दे नाल ही अज्ज दी खबरां खत्म होईयां। नवी खबरां नाल वात हाजिर होसियां। अल्लाह हाफिज़।